हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशि भारत फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का हमारा टॉपिक है लेटर प्रेस प्रिंटिंग। इससे पहले हम फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग के बारे में समझ चुके हैं, तो आज जो हमारा नई प्रिंटिंग टेक्निक है दैट इज लेटर प्रेस, तो इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेटर प्रेस प्रिंटिंग ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ प्रिंटिंग और टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग इन कमर्शियल प्रिंटिंग प्रोसेस by which many copies of an image are produced by repeated direct impression of an inked raised surface against sheet or a continuous roll of paper। तो जो हमारी letter press printing है, अगर मैं आपको short बताऊं तो ये जो हमारी printing होती है इसमें जो हमारी image जिससे transfer होती है, यानी कि जो हमारा imaged वाला area होता है वो सरफेस पर कैसा होता है, थोड़ा सा रेज्ड होती है उसकी सरफेस, जिस इमेज को आपको ट्रांसफर करना है सरफेस के ऊपर पर, वो इमेज हमारी कैसी होती है, उभरी हुई होती है, यानी कि कैसी होती है, रेज्ड होती है। तो ये जो हमारी प्रिंटिंग है, यानी कि जहां पर आपको रेज्ड सरफेस से प्रिंट करना होता है, तो इस तरह की प्रिंटिंग हमारी क्या कहलाती है, रिलीफ टाइप प्रिंटिंग। तो इसलिए हम लेटर प्रेस प्रिंटिंग को क्या कहते हैं, रिलीफ प्रिंटिंग भी कहते हैं और इसे टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा टाइपिंग मशीन में, आपने देखा होगा कि जो आपके लेटर्स होते हैं वो सरफेस पर उभरे हुए होते हैं, उनकी लेटर्स की जो आपकी सरफेस होती है वो कैसी होती है, रेज्ड होती है। तो इस वजह से वो जो आपके प्रिंटिंग होती है तो उसे हम लेटर प्रेस प्रिंटिंग या फिर टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो अगर हम कमर्शियल बेस से बात करें, तो अगर आपको बहुत सारी एक ही इमेज की बहुत सारी कॉपीज को प्रोड्यूस करना है, यानी कि अगर आपको कोई एक ही इमेज से बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो आपकी लेटर प्रेस प्रिंटिंग होती है, यहाँ पर हम रिपीटेड डायरेक्ट इम्प्रेशन हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि एक ही इमेज को कई कॉपीज पे बनाने के लिए हमारा जो इम्प्रेशन होता है इमेज का, उसे हम डायरेक्ट बार बार रिपीट कर सकते हैं, किसके द्वारा, जो हमारी इंक्ड और रेज्ड सरफेस होती है उसके द्वारा। और ये जो आपकी इंक्ड या फिर जो आपकी रेज्ड सरफेस होती है, जो आपकी इंक में पूरी तरह से वेट होती है, तो ये हमारी किस पर डायरेक्ट इम्प्रेशन डालती है, ये जो आपकी शीट ली जाती है, यानी कि जो आपका पेपर है या फिर जो भी आपकी ऐसी शीट है जिस पे आपको इमेज को प्रिंट करना है, तो उस पर आप डायरेक्ट प्रेस करके प्रेसिंग के द्वारा इमेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली अगर कोई कंटिन्यूस रोल ऑफ पेपर लेते हैं तो भी आप इमेज को डायरेक्ट सरफेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप अगर इंडिविजुअल शीट को ले रहे हैं या फिर आप कंटिन्यूस रोल ऑफ पेपर ले रहे हैं, तो दोनों ही टाइप पर आप यूज कर सकते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग का। आगे देखते हैं, लेटर प्रेस इज द ओल्डेस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंटिंग टेक्निक एंड रिमेन द ओनली इम्पॉर्टेंट वन फ्रॉम द टाइम ऑफ गटेनबर्ग अबाउट 1450। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग की जो इन्वेंशन किया गया था, जो प्रोडक्शन किया गया था मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का, वो जॉन्स गुटेनबर्ग ने किया था लगभग आपके 1415 सेंचुरी के लगभग। तो जो लेटर प्रेस प्रिंटिंग है, तो जो आपके गुटेनबर्ग थे, इन्होंने सबसे पहले इस प्रिंटिंग को, क्योंकि इस प्रिंटिंग में ही हमारी मूवेबल टाइप प्रिंटिंग यूज की जाती है, या फिर मूवेबल टाइप जो आपका प्रेस है जो आसानी से मूव हो सकता है, तो मूवेबल टाइप जो प्रेस है वो हमारा लेटर प्रेस प्रिंटिंग में ही यूज किया जाता है। तो ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है जो 1450 से चली आ रही है। आगे देखते हैं, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करना है, यानी कि आपने अगर कोई भी टेस्ट बनाया है और उसको आपको किसी भी सरफेस के ऊपर प्रिंट करना है, तो वो हम किस तरह से करते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग में, तो देखिए इसमें किसी टेस्ट को इंक वेयरिंग सरफेस से प्रिंट करने के लिए अलग अलग टाइप सेटर या कंपोजिटर्स का यूज करते हैं। तो अगर आपको प्रिंट करना है टेस्ट को,
तो वो टेस्ट आपका किसके द्वारा प्रिंट होगा, इंक वेयरिंग सरफेस, यानी कि वो सरफेस जिस पर आपकी इंक क्या हो लगी हो, यानी कि सरफेस जो आपकी इंक से पूरी तरह से वेट हो, उस सरफेस से अगर आपको किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप सेटर या कंपोजिटर्स आप यूज करते हैं। अब ये कंपोजिटर्स या फिर जो टाइप सेटर है ये क्या चीजें हैं, इसे मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। द फर्स्ट कीवर्ड जो आपका सबसे पहला जो कीवर्ड प्रोड्यूस किया गया था टाइप सेटिंग के लिए, यानी कि जो टाइप सेटर और कंपोजिटर्स होते हैं, ये एक तरह से इसमें हम आपको किस तरह के लेटर प्रिंट करने हैं सरफेस के ऊपर, किस तरह का टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करना है सरफेस के ऊपर, कैसी लाइन या किस तरह की इमेज आपको ट्रांसफर करनी है, ये सब हम कंपोजिशन मेथड में करते हैं। और इसलिए जो टाइप सेटर्स होते हैं हमारे, तो इन टाइप सेटर्स में हम डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। पहले नॉर्मली हम लोग इसे बाई हैंड करते थे, लेकिन अब इसके लिए हम थोड़ा सा जो लेटर की जो मैनेजमेंट होती है, लेटर का जो अरेंजमेंट होता है, वो हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। तो जो सबसे पहला कीबोर्ड टाइप सेटिंग में लगाया गया था वो हमारा कैसा था, लिनोटाइप और मोनोटाइप था, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1890 सेंचुरी में। इफ स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज इज टू बी मेड, प्रिंटिंग डन बाय हैंड फॉर लॉन्ग प्रेस रन्स डुप्लीकेट्स स्टीरियोटाइप और इलेक्ट्रोटाइपिंग। अगर आपको बहुत कम कॉपीज बनानी है, यानी कि आपको किसी भी इमेज की बहुत कम कॉपीज निकालनी है, तो उन कॉपीज को बनाने के लिए जो आपकी प्रिंटिंग प्रोवाइड की जाती है वो बाई हैंड की जाती है। यानी कि अगर आपको सिंगल कॉपी निकालनी है, या फिर मान लीजिए अगर आपको 10-15 कॉपीज को प्रिंट करना है, तो बाई हैंड प्रिंटिंग आपकी डन की जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत लॉन्ग प्रेस के लिए रन करना हो, यानी कि आपका कंटिन्यूस रोल हो पेपर का, या फिर बहुत सारी डुप्लीकेट्स उसकी बनानी हो, तो वहां पर हमारी जो प्रिंटिंग यूज की जाती है, दैट इज स्टीरियोटाइप या फिर इलेक्ट्रोटाइपिंग। तो मेथड जो हमारा यूज किया जाता है वो इस तरह से कुछ होता है। देखिए, ये जो आपकी सरफेस है, यहां पर आपका ये एक सरफेस होगा जिसके ऊपर आपको जो भी टेक्स्ट सरफेस के ऊपर ट्रांसफर करना है, वो टेक्स्ट इस सरफेस के ऊपर आपको कैसा होगा, रेज्ड होगा। तो ये देखिए, ये आपकी रेज्ड सरफेस होती है, और इस रेज्ड सरफेस पे आपका ये इंक पूरी तरह से लगा दिया जाता है, यानी कि रेज्ड सरफेस को इंक में डिप कर दिया जाता है, और ये आपकी लोअर्ड सरफेस है, यानी कि ये हमारा कैसा हो गया, नॉन इमेज एरिया, और ये हमारा इमेज्ड एरिया होगा। और जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर आपको इमेज प्रिंट करनी है, तो उस सबस्ट्रेट के ऊपर डायरेक्ट ये जो हमारी रेज्ड सरफेस होती है, उसे इंक में डिप करके हम प्रेसिंग के द्वारा या फिर स्टैम्पिंग के द्वारा इमेज को सरफेस के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी कुछ दिखाई देती है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, हमारी शीट है, और ये जो आपको इम्प्रेशन प्रोवाइड हुआ, ये जो आपकी इमेज बनी है, ये रेज्ड सरफेस के द्वारा प्रोवाइड होती है। तो ये देखिए, ये हमारी एक सरफेस है, और यहाँ पर जो ये आपको इस तरह का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये हमारी कैसी है, इमेज्ड एरिया है, और ये हमारा कैसा है, नॉन इमेज्ड एरिया। तो ये इमेज्ड एरिया हमेशा नॉन इमेज एरिया से कैसा होता है, थोड़ा हाई होता है, यानी कि सरफेस नॉन इमेज्ड एरिया से आपका थोड़ा सा रेज्ड होगा इमेज्ड एरिया। तो आगे बात करते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग के प्रोसेस के बारे में, जो अभी मैंने आपको बताया था कि कंपोजिटर्स वगैरह या टाइप सेटर्स किस तरह सब आपके यहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो वो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपकी यूज होती हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका ये लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लेटर प्रेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस, फर्स्ट कंपोजिशन, इम्पोजिशन, लॉकअप एंड प्रिंटिंग। तो
तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में हमारी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उसमें जो हमारी मेन स्टेजेस हैं जिसमें फर्स्ट हमारा कंपोजिशन, सेकंड है इम्पोजिशन, थर्ड है लॉकअप और फाइनल है हमारा प्रिंटिंग। तो देखिए कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन और टाइप सेटिंग, तो चाहे आप इसे कंपोजिशन कहिए या फिर टाइप सेटिंग कहिए, ये हमारी वो स्टेज होती है जहां पर वेयर पीसेस ऑफ मूवेबल टाइप आर असेंबल टू फॉर्म आर डिजायर टेक्स्ट। तो कंपोजिशन में जो भी आपको टेक्स्ट या जो भी आपको मैसेज सरफेस के ऊपर ट्रांसफर करना है, तो उन सभी लेटर्स का अरेंजमेंट लाइन टू लाइन और लेटर टू लेटर जो अरेंजमेंट होता है, उन सभी पीसेस का जो भी अरेंजमेंट होता है उसको एक डिजायर्ड टेक्स्ट में फॉर्म करने के लिए उन सभी पीसेस का अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिशन। तो लेटर्स को एक डिजायर्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब हम मूवेबल टाइप में यूज होने वाले जितने पीसेस होते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं, उनको अगर हम एक साथ असेंबल करते हैं तो वो असेंबलिंग हमारी क्या कहलाती है, कंपोजिशन। और ये जो कंपोजिशन जिसके द्वारा किया जाता है या फिर जो पर्सन इस कंपोजिशन को करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिटर या टाइप सेटर कहते हैं। ये लेटर को लाइन बाय लाइन सेट करते हैं, यही कंपोजिटर्स यानी जो पर्सन जो कंपोजिशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिटर्स या फिर टाइप सेटर। और ये जो हमारा डिजायर टेक्स्ट होता है उसे तो जो हमारे कंपोजिटर्स होते हैं ये लेटर्स को डिजायर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द कंपोजिशन। तो सबसे पहले यहां पर आपकी एक कंपोजिंग स्टिक होती है और कंपोजिंग स्टिक पर हमारी इंडिविजुअल लेटर्स को लाइन वाइज सेट किया जाता है। तो एक कंपोजिंग स्टिक होगी आपकी, उस स्टिक पर जो भी आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है सरफेस के ऊपर, उस टेक्स्ट को डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लेटर्स को यहाँ पर लाइन वाइज सेट करते हैं और फिर इसे एक लार्ज टाइप पर, यहाँ पर एक टाइप होता है, लार्ज टाइप गैले में उसे ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो हमारा टाइप होता है इस टाइप पर हम पेजेस को सेट करते हैं कि आपको कितने पेजेस यहाँ पर एक साथ फिट करने हैं और जिसपे इमेज को ट्रांसफर करना है। तो पेजेस को हम टाइप पर लगाते हैं और फिर टाइप को एक सिंगल यूनिट में गैले के साथ बहुत अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं, यानी कि बांध देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो हमारी क्या है, इम्पोजिशन। इम्पोजिशन में देखिए टाइप को प्रेस पर यूज करने के लिए एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो पर्सन इम्पोजिंग करता है यानी कि जो भी पर्सन हमारा इम्पोजिंग मेथड को करता है उससे हम क्या कहते हैं, स्टोन मैन या फिर स्टोन हैंड कहते हैं। जैसे कि जो कंपोजिशन जो पर्सन हमारा कंपोजिशन को करता था उसे हम कंपोजिटर या फिर टाइप सेटर कहते थे, इसी तरह से इम्पोजिशन को करने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, स्टोन मैन या फिर स्टोन हैंड कहते हैं। तो इम्पोजिशन हमारा मेथड क्या है, देखिए इम्पोजिशन इज द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द वेरियस पेजेस ऑफ टाइप विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर डिपेंडिंग ऑन पेज साइज एंड शीट ऑफ पेपर यूज्ड। सेवरल पेजेस मे बी प्रिंटेड एट वंस ऑन अ सिंगल शीट। After printing, these are cut and trimmed before folding or binding. तो imposition में अगर हम short form में समझें तो imposition हमारी वो technique है जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि type के ऊपर हम pages को set करते हैं कि कितने pages हमें एक बार में set करने हैं या एक बार में print करने हैं या फिर कितने pages को हमें किसी भी एक text message को print करने के लिए कितने pages हमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेट करने हैं। तो वो जो हमारी सेटिंग होती है और जो अरेंजमेंट होती है पेजेस की टाइप के ऊपर, और वो जो अरेंजमेंट होता है वो आपका पेज के साइज पर या फिर आप जो पेपर की शीट यूज कर रहे हैं या कितने आपको पेपर प्रिंट करने हैं, उन सभी पर आपका ये अरेंजमेंट डिपेंड होता है। और प्रिंटिंग के बाद इन सभी पेजेस को जो आपने जिस पर आपने टेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफर किया है यानी कि जिस पर आपने इमेज को ट्रांसफर किया है, उन सभी पेजेस को हम क्या करते हैं, कट करते हैं और ट्रिम करते हैं बिफोर फोल्डिंग और बाइंडिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज लॉकअप एंड प्रिंटिंग। लॉकअप में हम क्या करते हैं, देखिए इट इज द फाइनल स्टेप बिफोर प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग से पहले यूज होने वाला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लॉकअप।
The printers remove the cords that hold the type and turns the crayons with a key or lever to lock the entire complex of type and chase into place. तो लॉकअप में हम क्या करते हैं, जो भी अभी तक हमने टाइप को सेट किया, पेजेस को सेट किया, यानी कि जो हमने कंपोजिशन किया और इम्पोजिंग की, तो कंपोजिशन और इम्पोजिशन को जब कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी आपके कॉर्ड्स के द्वारा, यानी कि कॉर्ड्स के द्वारा हम जो टाइप होता है जिसमें आपके पेज सेट होते हैं उन्हें हम बाइंड करते हैं, अच्छी तरह से टाइट करते हैं, तो उन कॉर्ड्स को यहाँ पर हटा दिया जाता है जो कि टाइप को होल्ड किए होते हैं. तो यानी कि जिन कॉर्ड्स के द्वारा हमारा जो टाइप होता है वो होल्ड अप किया गया होता है, टाइट किया गया होता है या बाइंड किया गया होता है, उसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और फिर लीवर या किसी की के द्वारा हम एंटायर कॉम्प्लेक्स, यानी टाइप के एंटायर कॉम्प्लेक्स को एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं. और फाइनली हमारा जो स्टेज आता है वो है प्रिंटिंग. तो प्रिंटिंग किस तरह की आप, किस तरह का टाइप ऑफ प्रेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी प्रिंटिंग डिपेंड होती है.